हे व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल बाइक रवि। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है, लेकिन इस बारे में बात करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, इसलिए ये जो वीडियो है मैं बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे भी जो है इस टॉपिक से थोड़ा सा प्रॉब्लम था, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि किसी के फेसबुक स्टोरी में जो है हम लोग देख सकते हैं कि वो जो है लिंक दे रहे हैं अपने वीडियो का, मतलब यूट्यूब का या फिर कहीं का भी जो लिंक जो है वो दे रहा है, वहाँ से जो है आप लिंक को विजिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि मुझे नहीं आता था कि कैसे इस लिंक को स्टोरी में दिया जाए, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट के थ्रू अगर इसको दे देंगे तो यहाँ पर जो है वो लिंक काम नहीं करता था। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर एक तरीके से होता था कि अगर आप व्हाट्सएप पे आपका लिंक जो है वो शेयर कर दे, जो है व्हाट्सएप पे लिंक काम करता है, और व्हाट्सएप से जो है अगर आप फेसबुक के स्टोरी पे शेयर कर दे तब काम करता था। लेकिन अगर बात करें अभी की, तो अभी जो है वो जो टेक्निक है वहाँ पर जो है काम नहीं करता है। तो आप कैसे फेसबुक स्टोरी पे ऐसे लिंक दे सकते हैं कि लोग जो है आपके स्टोरी के थ्रू आपके वीडियो तक पहुंच पाए, उसी बारे में आज का इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो इसके लिए आपको जो करना पड़ेगा वो है कि आपको आपके मोबाइल में क्रोम को ओपन कर लेना है, और क्रोम को ओपन करके आपको जो है पहले फेसबुक को लॉगिन कर लेना है किसी भी टैब पे। तो यहाँ पर जो है क्रोम को ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर यूट्यूब को ओपन करना है, और मेक श्योर आपका यूट्यूब का जो चैनल का आईडी है उसको पहले से ही लॉगिन करके रखा है। और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है, और थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको जो है इसको डेस्कटॉप मोड पे ओपन करना है, और कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा। और इसके बाद जो है आपको फिर से यहाँ पर जो लोगो एक फ़ोटो दिख रहा है, लोगो टाइप फ़ोटो, यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जो है योर चैनल पे विज़िट करना है। और यहाँ पर अगर आपका खुद का वीडियो है तो योर चैनल पे आप अंदर चले जाइए, या फिर कोई और वीडियो का लिंक अगर शेयर करना है तो उस वीडियो को ओपन कर लीजिए। यहाँ पर जैसे कि मैं अपने चैनल पे आ गया और यहाँ पर वीडियोस में चला गया, और यहाँ पर जो है मुझे ये थर्ड नंबर का वीडियो जो है इसको ओपन कर लेना है, और इसको मैं क्लिक करता हूँ, और इसको जो है अभी ये थोड़ा लोडिंग लेगा, और उसके बाद जो है ये ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए, नीचे यहाँ पर जो है शेयर लिखा हुआ है, देख सकते हैं लाइक डिसलाइक के साथ शेयर, उसमें क्लिक कीजिए, थोड़ा सा लोडिंग लेगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा, ये थोड़ा सा लोडिंग लेने है, पर जो है फेसबुक व्हाट्सअप ट्विटर आ रहा है, आपको जो है फेसबुक पे क्लिक करना है, फेसबुक पे क्लिक कीजिए, और इसके बाद जो है आपको क्रोम को सिलेक्ट करना है, क्रोम को सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाइए, आपका जो लिंक है वो कॉपी हो गया, और यहाँ पर नीचे जो है न्यूज़ फीड और स्टोरी दोनों में ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई एक पे। तो यहाँ पर जो है मुझे स्टोरी पे सिलेक्ट करना है, तो स्टोरी पे सिलेक्ट करके पोस्ट कर दूँगा, और यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा, और यहाँ पर लोडिंग लेने के बाद फिर से आपको क्रोम को ही सिलेक्ट करना है। और अभी जो है आपको बैक करके अपना आईडी जो है फेसबुक आईडी वो जो है फेसबुक ऐप के थ्रू ओपन कर लेना है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा लिंक जो है वो मेरा स्टोरी पे शेयर हो गया, और यहाँ पर अगर आप क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पर जो है, और यहाँ पर जो है विजिट वेबसाइट दिखाएगा, और विजिट वेबसाइट पे अगर मैंने क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर जो है यूट्यूब का जो वीडियो है या फिर कोई भी लिंक जो है वो जो है ओपन हो जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग जो है आपका YouTube वीडियो का लिंक जो है अपने Facebook स्टोरी में दे सकते हैं। तो ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं कि अगर आप नॉर्मल सा पोस्ट कर लीजिएगा किसी भी लिंक को तो उसमें जो है रीच थोड़ा सा कम है, लेकिन आपके स्टोरी पे जो है आपके फ्रेंड सर्कल के अलावा भी बहुत सारे लोग देखते हैं, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा फ़ायदा है, इसलिए जो है आपका YouTube वीडियो का लिंक जो है वो है स्टोरी पे भी शेयर करिए। इससे क्या होगा, आपका व्यूज़ थोड़ा ज़्यादा आएगा, ठीक है, रिस्पॉन्स भी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे करके आप जो है आपका YouTube वीडियो का लिंक Facebook स्टोरी में दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगा। तो बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी स्टे फिट।